रायपुर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर जाने से मना किया जा रहा है। लेकिन इस तपती धूप दोपहरी में भी ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी लगातार अपना ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले ड्यूटी के दौरान रायपुर में ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मचारी की हीट स्ट्रोक से मौत हुई थी। इसके बाद भी ट्रैफिक पुलिस के जवान कड़ी धूप में बीच सड़क पर खड़े होकर यातायात नियमों को बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन जवानों के लिए इस गर्मी भरे मौसम में शासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। रायपुर में अभी पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो देखिए किस तरीके से अपने दायित्व को निभा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में भी वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ उनको ऐसी चिलचिलाती धूप में गर्मियों का सामना करते हुए काम करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ उन्हें कई बार जो राहत चलते हुए जो लोग हैं उनके साथ भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी चिलचिलाती धूप में भी वो अड़ के लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार दीवान जी। सर, इतनी गर्मी है, लोगों का बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, अलर्ट जारी किया गया, ऐसे में भी आप किस तरीके से, क्या ऊर्जा है जो आप काम कर पा रहे हैं? अब ड्यूटी भैया, ड्यूटी तो निभाना ही पड़ेगा, जैसे आदेश होता है उस हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। बाकी गर्मी वाले हैं तो गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा आड़ा ले लेते हैं, छाया वाला ले लेते हैं। बाकी आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था? ऐसे छाता दिया गया है। हाँ, छाता, लेकिन छाता लगाने का भी जगह नहीं है, वन में चल रहा था, वो नाम से छाता नहीं लगाए हैं। बाकी कहीं खंभे के आड़ में, पेड़ के आड़ में छाया ले कर ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं वो किस तरीके से चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं और जगह देखते हैं कैसे ट्रैफिक जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, और इसके बाद हम जाएंगे बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक से। तो अभी मैं आ चुका हूँ शारदा चौक में, और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से चिलचिलाती धूप में जो ट्रैफिक के जवान हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लोग इस धूप में बाहर नहीं निकलना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलर्ट जारी करके रखा हुआ है। रायपुर में 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान जी। मैं यातायात थाना सादा चौक में तैनात हूँ जी। जी जी, बताइए। सर, इतनी गर्मी है, 45 डिग्री के पार पहुँच चुका है पारा, कहाँ से लेके आते हैं इतनी ऊर्जा अपने कर्तव्य के लिए? ये हमारा मुख्य काम ट्रेनिंग के दौरान ही, हमका जो एक साल का हमारा बेसिक ट्रेनिंग होता है उसमें शरीर को इस हिसाब से तपाया जाता है कि हम सभी मौसम को सहने की हमारे अंदर क्षमता रहती है। उसके अलावा विभाग द्वारा टोपी के साथ साथ में पानी बोतल वगैरह, छाता वगैरह ये लगा हुआ है, ये वितरित कराया जाता है, जिससे साथ साथ सुविधा रह जाता है। और मुख्य काम हमारा यही रहता है कि कहीं दुर्घटना ना हो ट्रैफिक को लेकर, इस चक्कर में हमारा प्रयास रहता है, उसी को अंकुश करने करते हैं, तो उसके आगे मौसम का असर नहीं लगता है, मैनेज करने चलता है। सर, देखिए ये ट्रैफिक के जवान हैं जो कहते हैं कि ट्रेनिंग में ही उनको इतना शक्तिशाली बना दिया जाता है कि वो किसी भी चुनौती में खड़े होकर देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। आइए अब सीधा बात करते हैं उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह जी से, और जानते हैं कि इन ट्रैफिक के जवानों के लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं और किस तरीके से उन्हें कोई तकलीफ ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आइए सीधा रुख करते हैं उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह जी के पास। अभी मैं मौजूद हूँ यातायात उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह जी के पास। आइए सीधा बात करते हैं उनसे। सर, अभी ट्रैफिक के जो जवान हैं इस गर्मी में चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं, जो ट्रैफिक नियम है उनको बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए क्या सुविधा है? देखिए, इनको एक तो अम्ब्रेला दिया गया है कि वो धूप से बच सकें, साथ ही साथ उनको निर्देश है कि आप लोग हाइड्रेट रखने के लिए, शरीर में पानी की कमी ना हो उसके लिए खास इंतजाम रखें, नींबू पानी पीते रहें या ORS का घोल भी रखें साथ में, और किसी को भी थोड़ा भी तकलीफ़ होता है कुछ या किसी को परेशानी होती है तो तत्काल हमको खबर करें ताकि उनको छुट्टी दिया जा सके। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए, क्योंकि अभी आपने बताया कि उनको निर्देश दिया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं हैं, क्या उनके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारी पेट्रोलिंग लगातार घूमते रहती है और 12 से 4 बजे के बीच में उनके लिए हम लोग स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में मिल के उनके लिए पानी की सुविधा, नींबू पानी की सुविधाएँ उनको वितरित करा रहे हैं।
सर मेरा अब आखिरी सवाल है, आज से कुछ साल पहले देखा जाता था कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी थे उनके लिए टेंट लगवाए जाते थे चौक में, लेकिन रोड चौड़ीकरण के बाद ये जो जो सुविधा थी वो ख़त्म कर दी गई है, तो क्या आगे भी ऐसी सुविधा देखने को मिलेगी? अभी हमने लगवाया है कि 3-4-6 चौकों पे टेंट लगे हुए हैं ट्रैफिक जवान के साथ साथ, वो राहगीरों के सुविधा के लिए भी है, अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से लगाए हैं ताकि जो सिग्नल पे खड़े हो रहे हैं लोग उनको धूप से बचाया जा सके। एसएसपी महोदय के निर्देश पे ऐसा टेंट लगाया गया है। तो ये थे हमारे साथ उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से कुछ कुछ सुविधाएं कराई जा रही हैं जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, लेकिन देखने की बात है कि ऐसी चिलचिलाती धूप में भी जो ट्रैफिक के जवान हैं वो किस तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।